हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने कीमे के समोसे बनाने जा रहे हैं। उसमें हमने लिया है ये एक चम्मच ईस्ट, जो हमने गर्म पानी में घोल लिया था। ईस्ट इस तरीके का होता है, देखिए ये हमने इसको एक चम्मच लेकर और इसको गर्म पानी में घोल लिया था। और हमने लिया है ये आधा चम्मच सोडा खाने वाला, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच ही हमने हल्दी पाउडर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, और ये लिया है हमने गरम मसाला पिसा हुआ, और हमने लिया है ये एक किलो आटा। ये आटा वही है जो जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, ना मैदा, कुछ नहीं है, सिर्फ आटा है ये। अब हम इसको आपको बताएंगे ये कैसे गूंधा जाता है। इसमें हम ये ईस्ट डाल लेंगे, खमीर जिसको कहते हैं, और ये लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली, हल्दी पाउडर दो चम्मच जो लिया है, नमक, गरम मसाला और ये खाने वाला सोडा। इसको हम अच्छी से मिलाकर गूंद लेंगे। देखिए हमने हल्दी, हमें इसमें कम लग रही थी, हमने एक चम्मच हल्दी और इसमें मिला दी है, क्योंकि ये थोड़े पीले ही अच्छे लगते हैं। देखिए हमारा ये आटा गूंदकर तैयार हो गया। इसको हम 3-4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से खमीर हो सके। इसको ढककर रख देंगे, 2-3 घंटे तो ज़रूरी रखें। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2-3 घंटे आप ज़रूर रखें। देखिए हमने ये जो आप समोसे बना रहे थे उसके लिए हमने ये कीमा लिया है, बिल्कुल ये जैसे कोफ्तों का कीमा होता है उसी तरीके का हमने ये कीमा उठवाया है। और ये है 750 ग्राम। इसमें डालने के लिए लिया है हमने ये हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, प्याज, एक प्याज ली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, और ये गरम मसाला लिया है हमने एक चम्मच। देखिए हमने ये एक चम्मच इसमें तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने एक प्याज डाली है जो हमने काट ली थी, और इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे थोड़ा। देखिए ये हमारी प्याज हो रही है, थोड़ी और दरसी और इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें हम ये गरम मसाला डाल देते हैं एक चम्मच ही भर के, ये हम लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं एक चम्मच, अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। देखिए नमक
और हल्दी भी डाल देते हैं इसमें, और ये लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। इसको हमने जो ये धो के रखा था वो इसको भी इसमें ही डाल देते हैं। देखिए इसमें हम ये हरी मिर्च भी हमने जो 4-5 काट के रखी थी उसको भी हम डाल देते हैं। और इसको पानी नहीं डालेंगे, अभी भूनेंगे इसको, क्योंकि ये खुद ही पानी छोड़ता है मसाले इसके। समोसे में बारीक कीमा अच्छा लगता है, मोटा अच्छा नहीं लगता, और उसको बनाने में भी आसानी होती है। देखिए अब हम इसको खोल कर देखते हैं। देखिए हमारा ये कीमा बिल्कुल भुन चुका है और इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है, और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। हमें इसी तरीके का कीमा चाहिए था समोसों में भरने के लिए। बस अब ये हमारा भुन चुका है, इसको हम चूल्हे को बंद करते हैं, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम आपको समोसे बनाना बताएंगे। देखिए हमारा ये आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हमने 3-4 घंटे रख दिया था खमीर करने के लिए, और ये तैयार हो चुका है। अब देखिए हमने इस तरीके का एक पेड़ा लिया है और एक पॉलीथीन बिछाई है ये, और इसको इस तरीके से पतला पतला हाथ से कर लेंगे। हमने एक कढ़ाई भी चढ़ा दी है चूल्हे पर, तेल गर्म हो रहा। कीमा लेंगे इसमें तो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारा ये तेल गर्म है, दोनों साइड से इसको तल लें और फिर पलट दें इस साइड से भी। देखिए दोनों तरीके से हम इस तरीके साइड से भी और इस साइड से भी हम सेक लेंगे, और देखिए हमारा ये सिक चुका है। देखिए हमारे ये समोसे बन चुके हैं, और इसके साथ हमने बनाई है ये सलाद। सलाद बहुत अच्छी लगती है, चटनी है और ये कीमा है, इसके साथ आप खाइए। अगर हमारी आपको ये समोसे की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।